ठीक है दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन एंड एल्कीन दोनों देख चुके थे बेटा। नेम रिएक्शन भी हो चुका है कुछ। कौन कौन से नेम रिएक्शन हमें बेटा रिकॉल करते हैं जल्दी से, उनका लिस्ट बना रहे हो ना? कौन कौन से नेम रिएक्शन हो चुके हैं बेटा? मार्क सेबेटियस से स्टार्ट हुआ होगा बेटा, स्टार्टिंग का यही है, सेबेटियस इंडस्ट्रियल रिएक्शन। सेकेंड डी कार्बोक्सिलेशन को भी बोले, इसी में ऐड कर लेना। थर्ड उसके बाद क्या था बेटा, कोरे ऊपर नीचे होगा ठीक है ना, थोड़ा सा कोरे हाउस। फोर्थ जो जो याद है उसको बोल रहा हूँ, पहले क्लेमेंसन वोल्फ कृष्णर, उसके बाद कौन सा था बेटा, कोल्बे स्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस कपलिंग के अंदर क्या क्या था, वोड्स उलमान फ्रैंकलिन सेबेटियस कॉल्बस, ये हो गया था वोल्ज कोल्बे वोड्स उलमान, और कौन सा हुआ था बेटा रिसेप्टर में, यही नेम रिएक्शन हुए ना बेटा कि कुछ और है, कुछ छूट रहा है क्या? क्लेमेंसन उलमान कोरे हाउस क्या बेटा, इंडोर कैटलिस्ट वाला लिंडार कैटलिस्ट, वो रिएजेंट नहीं है। तो ये नेम रिएक्शन है, तो याद हो गया ना बेटा, इनमें से बताया था किसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है बेटा, इसमें नहीं बनता। डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन हाइड्रोजन का बीच बॉन्ड बनता है, ये भी नहीं। कोरे हाउस में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, क्लेमेंसन में नहीं बनता, वोल्फ में नहीं बनता, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता है, वुड्स में बनता है, अलमान में। ये कितने नेम रिएक्शन हो गए, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कीन देख लिए हैं। नेक्स्ट नोट करना बेटा, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्काइन। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्काइन, ठीक है। इसमें फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड, ये इंपॉर्टेंट है मेथड याद रखना बेटा, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड तो टर्म्स बहुत सुनोगे बेटा गर्मियों में जब आम खरीदने जाते होगे, या उससे पहले बोला जाता ना कार्बाइड से पका दिए, कार्बाइड से पका दिए, सुनो कि नहीं सुनो बेटा, तो वैसे ये कैल्शियम कार्बाइड उसका हाइड्रोलिसिस कराते हो ठीक है ना, वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या होगा बेटा, यहाँ का कैल्शियम ओएच बना लेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है बेटा। तो ये था लेबोरेटरी मेथड, सेकेंड बाय क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करोगे, सिल्वर के साथ हीट करोगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, CHCl3, इसको हीट किया जाएगा किसके साथ बेटा, सिल्वर सॉल्ट के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ क्या करेंगे बेटा इसको हीट, तब बनेगा एसिटिलीन। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एसिटिलीन। थर्ड
by RMGX या फिर बाय एल का हाईलाइट कर लेते हैं, बाय एल्काइल हैलाइड। तो एल्का हैलाइड का CH3 CH तो इसको बेस के साथ हिट करेंगे तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ हिट करेंगे तो E2 रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा बेटा, बेस क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करेगा लिविंग ग्रुप के जस्ट बीटा कार्बन को, ये लिविंग ग्रुप है तो इसको ये जब बेस इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा ये जो बॉन्ड है यहां शिफ्ट होगा और ये सीएल क्या हो जाएगा बेटा बाहर, क्या मिलेगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CL बाहर हो गया यहाँ पे ये। अब उसी टाइम बेस फिर से क्या करेगा इसे एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ये CL बाहर, तो ठीक है ना बच्चा लोग। तो बेस हाइड्रोजन को बाहर करेगा ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच आ जाएगा और ये CL बाहर, सेम यहां से वैसे ही। तो बेस के साथ हिट करोगे तो भी किसका फॉर्मेशन होगा बेटा एल्काइन, रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक। जिंक के साथ हिट करोगे तो क्या होगा बेटा, बेस इसके साथ जिंक के साथ एक का क्लोरीन तो जिंक के साथ हिट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ZnCl2। क्लियर है बच्चा लोग, ये था एल्का हैलाइड के साथ ए बी एल्का हैलाइड में बाय RMGX। सर वेटिंग रूम में एल्का हैलाइड के साथ RMGX भी यूज कर सकते हो बेटा, बाय RMGX। तो यहाँ पे R जो है वो एल्काइल वाला होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हायर एल्काइन बनेगा CH3 CH2 CL, RMGX में CH ट्रिपल बॉन्ड CMGBR, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा हो गया R एल्किनाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे अटैक करेगा ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा बाहर, क्या मिलेगा हमें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH RMGX के थ्रू मिला प्लस MGBR CL, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था बाय एल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या फर्क है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन जितने चाहिए तुमको उस हिसाब से एल्केन ले लो, ठीक है ना। एक कार्बन का चाहिए एक कार्बन का एल्का हैलाइड, टू कार्बन का चाहिए तो टू कार्बन का एल्का हैलाइड। क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ पे जितने कार्बन थे उतने कार्बन का मिल रहा था। तो ये था बाय एल्का हैलाइड। थर्ड हो गया बेटा फोर्थ बाय एल्कोहल,
एल्कोहल से तो डायरेक्ट बने करके नहीं बने। हाँ अब जो भी बनेगा बेटा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा ना, इतना नोट कर लो। अब देखेंगे रिएजेंट बेस्ड, यहां तक नोट करो बेटा पहले, तो उसका देखते हैं रिएजेंट बेस्ड मेथड एल्काइन का, नोट को जल्दी से। और इस संडे का टेस्ट क्या रहेगा बेटा, टॉपिक पता है ना सबको? बेटा इस संडे का टेस्ट टॉपिक पता है ना सबको, क्या होने वाला है? बच्चा लोग एल्काइन रहेगा, सॉरी एल्काइन बोलता है, हाइड्रोकार्बन रहेगा ना। नोट कर लिया बच्चा लोग? बेटा नोट किया सबको? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा फोर्थ में एक बच भी जाएगा ना बेटा, हमने बताया था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से सभी बनते हैं, इसको भी बना लेते हैं, तब तो रिएजेंट बेस्ट में था। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बेटा एक कार्बन था पे सी डबल ओ एच ग्रुप था, तो क्या बनता था बेटा? एल्केन, पोटेशियम ले लेता हूँ सॉल्ट। दो सी डबल एच ग्रुप था क्या, तो क्या बता बनता था बेटा? यहाँ का सीओ टू निकलता था, यहाँ रेडिकल बॉन्ड बनता था एल्केन। अब कितने सी डबल ओ एच ग्रुप होना चाहिए बेटा कार्बोक्सिलिक वाले? कितने होने चाहिए बेटा? फोर। इनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इनका क्या कराओगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करा के मतलब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाकर, हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाकर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। तो क्या बनता है बेटा? यहाँ का के ओ एच के ओ एच के ओ एच मिलकर क्या बना लेगा बेटा? फोर टाइम्स के ओ एच प्लस कितने सीओ टू बाहर होंगे बेटा?
वन टू थ्री फोर, कितने सीओ टू बाहर होंगे बेटा? फोर सीओ टू, यहाँ कार्बन सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, इसके कारण एक रेडिकल आएगा बेटा, इसके कारण सेकंड रेडिकल, सेम यहाँ पे इसके कारण भी एक रेडिकल सेकंड, तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन प्लस, और क्या बनेगा बेटा, एच टू एच टू, टू टाइम्स एच टू गैस, क्लियर है बेटा? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बनेगा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मैलेइक एसिड का फॉर्मूला है, तो पोटेशियम मैलेट, क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम बेटा, पोटेशियम मैलेट, तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से आपका बन जाएगा बेटा एसिटिलीन, तो ये डायरेक्ट मेथड था जिससे आपका एसिटिलीन जल्दी बनेगा बेटा। सॉरी मैलेइक एसिड, एक मिनट बच्चा, मैलेट नहीं है ना, ये दूसरा है, मैलेट में डबल बॉन्ड होता है मैलेइक एसिड में ना बेटा, मैलेइक एसिड नहीं है, मैलेइक एसिड में ना डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे, एक ये है मैलेइक एसिड वाला भी बना देता हूँ, ये ऊपर नोट कर लिया क्या बेटा, चलो उस साइड ही नोट करता हूँ, उस साइड का नोट हो गया ना बेटा, लेबोरेटरी वाला, मैलेइक एसिड में सिक्स ट्रांस आता है ना, मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड पढ़े हो कि नहीं पढ़े बेटा, ज्योमेटिकल आइसोमर में स्ट्रक्चर बना होगा, ये है पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ भी बन जाएगा बेटा, इसका क्या करा लो, हाइड्रोलाइसिस, मतलब एक फर्स्ट ऐसा बना के इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड रिएक्शन, ये ए कर लेना, ये बी, क्या नेम होगा बेटा, मतलब क्या बनेगा इससे, के ओ एच टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स एच टू, सी एच के बीच डबल बॉन्ड पहले से था, रेडिकल रेडिकल आएगा तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, और थर्ड टू टाइम्स ऑफ सीओ टू, मतलब फोर्थ हम, तो ये था, छाप ली बच्चा लोग, बच्चा लोग नोट डाउन कर लिए, भाई आरएमजेक्स वाला हो गया ना, ये वाला हो गया ना बेटा, तो हाँ बेटा, तो फाइल वाले कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, आयु तक नेमिंग कर लो ना उसका, वन टू से इथेन, नहीं इथेन हो गया, इथेन के बाद क्या होगा, वन वन इथेन, वन वन टू टू टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड, मतलब तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ वन, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेन, वन वन टू टू टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है बच्चा लो, अब इनडायरेक्ट कन्वर्जन, और एग्जाम के लिए बेटा इनडायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट पे ज्यादा फोकस करना बेटा, इनडायरेक्ट कन्वर्जन मतलब रिएजेंट बेस्ड कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन से आपको पता होगा कि हमको ये मिलेगा तो हम ये बना सकते हैं, एल्काइन बनाने के लिए रिएजेंट बेस्ड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा हमको, या तो कार्बाइड चाहिए बेटा, सेकंड हैलाइड चाहिए, एक कार्बन मतलब एक ही कंपाउंड पे कितने टाइम्स, टू टाइम्स हेलोजन या फोर टाइम्स हेलोजन तब बन सकता है बेटा, या सिंगल हेलोजन है तो आरएमजीएक्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा, या फिर फोर टाइम्स सी डबल ओ एच जीरो, ठीक है बच्चा लोग, तब जाके कुछ कर सकते हैं हम लोग।
हेडिंग नोट करो रिएजेंट बेस्ड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। हो गया बेटा नोट डाउन। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा एल्किन से। बाय एल्किन अभी जो मेथड वो डायरेक्ट नहीं बनेगा बेटा। एल्किन का फॉर्म क्या है? सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच टू। इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बता देता हूँ। तो जब भी ये हेलोजिनेशन होगा तो सी सी एल फोर या सी एच टू ये यूज होता है यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह। क्यों होता है सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? सीएल आ जाएगा। अब सीएल आ जाएगा तो इसको एल्काइन में कैसे चेंज करना है हमने बताया ना बेटा। क्लियर है? सेकेंड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बेटा मुझे पता है मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने एल्किन का फॉर्मेशन मेथड बताया है। तो अगर मैं एल्किन बना लूं कार्बोक्सिलिक एसिड से और उसके डेरिवेटिव से तो बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एच इसके डेरिवेटिव कौन कौन से बेटा? एसिड एनहाइड्राइड ठीक है, एसिड हैलाइड एमाइड एस्टर ठीक है ना। तो इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इनका क्या कराओगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। इनके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है बेटा? इनका हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है बेटा? एसिड। एसिड का क्या कराओगे कि वो अल्कोहल बन जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बन जाएगा बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद उसको अगर एसिड के साथ हिट करोगे H प्लस मतलब एसिड तो क्या बनता है बेटा? एल्किन। एल्किन से तो देख ही लिया बेटा। एल्किन पे क्या लगाओगे? Cl2। Cl2 लगाने के बाद किससे रिएक्शन करा दो बेटा? KOH के साथ। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो एल्किन से बन गया, उसके कार्ब उसके डेरिवेटिव से भी बन गया। क्लियर है बच्चा लोग? तो भाई अब देखो मैं जो बता रहा हूँ वही एक मेथड नहीं है, इसमें भी और अलग अलग पॉसिबिलिटी है बेटा, और भी मेथड से भी जा सकता हूँ ठीक है ना बेटा। जो नहीं कि जो बताया यही मेथड एक ही बस मेथड है, और भी तरीके हैं इससे बनाने के लिए, लेकिन जो ज्यादा अच्छे से सुटेबल होता है वही बता रहा हूँ मैं। तुरंत बन जाएगा, तुमको याद रखने में थोड़ा दिक्कत कम हो। थर्ड अब कौन सा बच्चा बेटा?
पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो गया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क रहेगा। तो एल्किन से बनाना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव से, ठीक है, नाइट्राइल से, और ये एल्कोहल से। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बेटा। रिएजेंट बेस्ड फॉर्मेशन मेथड है, ठीक है बच्चा लोग। एक बार रिपीट कर देते हैं, कहाँ पे क्या बनेगा। एलएच लोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्किन, एल्किन से क्या बनेगा बेटा, Cl2 लगाओगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा, दिख रहा है। फिर उसके बाद KOH के साथ एल्काइन। फिर यहाँ पे एमाइड, ए 1 मोल से एक्सेस में लिया या 2 मोल लिया, तो एसिड। अब एल एच है तो एमाइड से अमीन, अमीन का डायजोटाइजेशन रिएजेंट है, तो क्या बनेगा बेटा, डायजोनियम सॉल्ट।
डाइजोनियम सॉल्ट के साथ वाटर बनता है तो खुद को हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सेल्फ हाइड्रोलाइज और एल्कोहल बना लेगा। एल्कोहल में OH को हटा के Cl लगा देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बन जाएगा बेटा यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल के बाद एल्किन, एल्किन के बाद ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इसके बाद एल्काइन। एल्कोहल SSCl2 OH को लगा के Cl, इसके बाद वही रिएक्शन है। यहाँ पे एल्कोहल लोगे तो एल्किन बनेगा, एल्किन के बाद CaCl2 लगाओगे तो ये बनेगा, कैश लोगे तो एल्काइन बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके, जितने रिएजेंट बताए उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है ना बेटा। तो कई लोग जल्दी जल्दी में नोट तो कर ही नहीं पाए होंगे मैं जो जो बोला हूँ, ठीक है, पॉसिबल होता नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा उस समय देख लेना बेटा, सर यहाँ बोले हैं तो बना लो, पॉज कर करके वीडियो देख लेना, बन जाएगा। अब बन रहा था कि नहीं बन रहा था, पहला जो क्वेश्चन उसमें का दिए थे, दो दिए ना बेटा उस दिन। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्काइन, भी हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है बच्चे लोग। नोट कर लिए बेटा ये सब, बेटा पावर कट हो सकता है ना, तेज बारिश स्टार्ट हो गया है शायद, इसलिए कुछ फॉल्ट आ गया होगा ब्रॉडबैंड में। नोट कर लिए ना भाई बच्चा लोग, रब कर रहा हूँ ना मैं। हेलो बेटा, आवाज मिल रहा है ना हमारा बच्चा लो? यस सर। बीच में आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है, बारिश भी स्टार्ट हुआ है और ब्रॉडबैंड काम भी नहीं कर रहे हैं मोबाइल डाटा से, देखो 15-20 मिनट और चल जाए तो अच्छी बात है। और बेटा तुम लोगों के क्लास में मैंने शॉर्ट नोट बनाने के लिए नहीं बोला है, रिएजेंट का, GOC 1 और 2 का, GOC 2 का, 1 का तो छोड़ो, बोला है कि नहीं बोला है? नहीं बोला तो सुन लो बेटा, आज बोल रहे हैं GOC 2 में जितने भी उन्हें पढ़ाया है, जैसे कार्बो कैटायन उनके बारे में जो बातें हैं, 2-3 लाइन में वो पूरी बातें कंप्लीट कर लो। कार्ब पीरियडिकल, ठीक है, एनायन जो भी है, इनके प्रॉपर्टीज नोट करो और उनके स्टेबिलिटी पे कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्लस आर या मतलब डोनेटिंग या विड्रॉइंग। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो माइनस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आर, प्लस एम का ऑर्डर, ठीक है ना, माइनस आर माइनस एम का ऑर्डर, ये एकदम नोट कर लो शॉर्ट में। ओवर स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन एनायन फ्री रेडिकल एलाइलिक बेंजाइलिक विनाइलिक, ये लोकेशन क्या होता है। उसके बाद मैकेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म किसके लिए है, मतलब अच्छा हाँ इनका स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का एनायन। उसके बाद प्लस आर का एप्लीकेशन में, जैसे एप्लीकेशन बताया जैसे बेंजोइक एसिड, तो इसमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है, कार्बोकैटायन का क्या है, वो सब। उसके बाद मैकेनिज्म बताया, जैसे SN1 बताया तो SN1 का रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पे। SN2 बताया तो उसका रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, वो नोट कर लेना। SNAR बताया तो इसका रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, प्लस आर या माइनस आर, ये SCAR बताया, वैसे A1 बताया तो वो भी। इस तरह से शॉर्ट नोट बनाना है आपका और उसके बाद रिएजेंट का, ठीक है ना बच्चा लोग, और साथ में नेम रिएक्शन का भी चलते जाना, बनाते रहना है। तो इतने सारी चीजें कब तक कंप्लीट कर लोगे मुझे ये बताओ, क्योंकि बेटा बहुत काम आने वाला है ये शॉर्ट नोट, और ऐसा नहीं कि हम चेक नहीं करेंगे, ये सबका शॉर्ट नोट बनाकर हमको PDF फॉर्म में पर्सनली सेंड करोगे, ठीक है ना बेटा, कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और उसमें अपना नेम अपना ब्रांच जरूर नोट करना, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनका हम लोग मतलब करेंगे।
तो हम नाम नोट करेंगे अपने कॉपी में ताकि पता रहे किसने बनाया, और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके यहाँ पे कॉल करवाया जाएगा ब्रांच से, उनके ब्रांच से। तो कितने दिन का टाइम दे, एक दिन का टाइम दे हो जाएगा? तो फिलहाल भी जीओसी टू और एजेंट का बना लो, कंप्लीट कर लो, हो जाएगा बेटा एक दो दिन के अंदर। कितने दिन का टाइम दे बेटा, एक दिन दो दिन? मंडे है, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे को चेक करेंगे, ठीक है ना बेटा? थर्सडे को हमको क्लास से पहले मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा? तीन दिन का टाइम दे रहे हैं आज का लेकर, थर्सडे तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए वो होमवर्क। चलो केमिकल प्रॉपर्टी सेटिंग नोट करो, होमवर्क नोट करना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट रिएक्शन विथ O3 मतलब ओजोनोलाइज, रिएक्शन विथ O3 एंड जिंक वाटर। तो ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगा ना बेटा, तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में कौन देगा बेटा, एल्केन दे सकता है क्या? ये रिएक्शन एल्केन दे सकता है क्या बेटा? कौन से स्पीसीज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन देंगे बेटा? किस टाइप की स्पीसीज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन देंगे बच्चा लोग बेटा? किसी को नहीं मालूम क्लास में ओजोनोलाइसिस कौन से रिएजेंट देते हैं बच्चा लोग? रिएजेंट बोलता हूँ, रिएक्टेंट। उन रिएक्टेंट की खासियत क्या होनी चाहिए बच्चा लोग? जिनके पास पाई बॉन्ड होगा सिर्फ वही दे पाएंगे ओजोनोलाइसिस। तो पाई बॉन्ड किसके पास होता है बेटा? एल्किन के पास। तो रिएक्शन विथ एल्किन, रिएजेंट पे ये रिएक्शन पूरा नोट है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 O3 जिंक वाटर। बताइए बेटा प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है यहाँ पे? क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा बताओ फर्स्ट में? देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत कर देना बीच में इस तरह से, और दोनों साइड ऑक्सीजन बांटते हैं, लेकिन ऐसा बस समझने के लिए है, पता चला एग्जाम के दिन भी ऐसे करके आ गए बोर्ड एग्जाम में, मिस्टेक कर दोगे बेटा मतलब मार्क्स काट देंगे। यही था ना कुछ बेटा? क्या मिलेगा पहले वाले बताओ तो बच्चा लोग? HCHO टू टाइम्स, इसमें CH3 CHO एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा,
यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बताओ तो, कीटोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इस जगह पे भी क्या बनेगा बेटा, कीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे टू टाइम्स कीटो, ठीक है ना। सी रिएक्शन विथ एल्काइन, पहले O3 डेल्टा क्या बनाता है बेटा, ओजोनाइट स्ट्रक्चर बनाता है, तो ओजोनाइट स्ट्रक्चर को मैं स्किप कर दिया, हम पूरे रिएजेंट एक साथ यूज कर रहा हूँ। एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH RC ट्रिपल बॉन्ड, CH RC ट्रिपल बॉन्ड R, O3 जिंक वाटर। बताओ बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, एक साथ दो बॉन्ड ब्रेक होगा सिर्फ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ, ये था ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। सेकंड रिएक्शन विथ केमनोफोर, रिएक्शन विथ केमनोफोर, तो केमनोफोर में यह रखना बेटा, रिएक्शन अगर केमनोफोर से कराते एल्केन के साथ नो रिएक्शन, तो फर्स्ट किसके साथ बेटा, रिएक्शन विद एल्किन पाई बॉन्ड होगा, तो ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाएंगे इसका, एल्किन बनाऊंगा तो मैं, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, सिंपल से दो केमनोफोर का एक वीक कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है बेटा, और एक स्ट्रॉन्ग वाला, तो केमनोफोर प्लस वाटर, वीक केमनोफोर, केमनोफोर प्लस एसिड एच प्लस, क्या बनेगा बताना बेटा, क्या बनेगा बच्चा लोग बताओ तो। फर्स्ट वाले केस में केमनोफोर वीक होगा तो केमनोफोर वीक होगा तो क्या बनेगा जी, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या ऐड होता है बेटा वहां पे, OH, वेरी गुड, सीस वन टू सीस वाला OH ना बेटा, ये बनेगा। और यहाँ पे एल्डिहाइड बनता पहले, एल्डिहाइड के बाद सीधा एसिड, ये तो एल्कीन के साथ था। सेकेंड एल्काइन, एल्काइन के साथ क्या बनेगा बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये एल्काइन है, केमनोफोर आपके लिए ले लेते हैं ऐसे, वाटर एच प्लस, तब क्या होगा बेटा, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा बेटा, सेम प्रोडक्ट। पहले क्या होता है यहाँ पे OH आता है बेटा, एक कार्बन पे दो OH, जो सरवाइव नहीं करेंगे और तुरंत बना लेंगे क्या, कीटोन। तो ये था रिएक्शन विद ओजोन, मतलब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद केमनोफोर, वैसे ही OH O4 का भी रिएक्शन है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। एक और रिएक्शन देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस संडे का टेस्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन होगा बेटा, और रिएजेंट वाला जो COC2 और रिएजेंट का जो शॉर्ट नोट है, थर्सडे तक मुझे क्लास में मतलब पर्सनली PDF बना के सेंड कर दोगे, और उसके साथ साथ अपना नेम और ब्रांच ये भी डाल देना।
हाँ बेटा रिएक्शन विद अल्काइन में सेकंड वाले रिएक्शन में K1O4 में निकालना आपने? नहीं है वो डबल डेसन बोलते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा, सर वो डॉट दिखाई दे रहा है। हाँ वैसे दिख रहा है दूर से, वो K1O4 है वहां पे, ठीक है ना बेटा। हो गया बच्चा लोग सभी का, तो फर्स्ट रिएक्शन था, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन। तो क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर, चाहे हाइड्रोकार्बन कौन सा भी हो। तो मैं बात करूं एल्केन, CH4 है बेटा एल्केन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया एल्काइन। जब भी इसका कंबसन कराओगे, कंबसन के लिए कैसे बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाओगे, हीट करोगे, तो क्या होगा बेटा, जितने कार्बन है उतना CO2 हाइड्रो सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में ये रिएक्शन बताया होगा बेटा, जितने कार्बन है उतना क्या मिलेगा CO2, कितने कार्बन है बेटा तो टू कार्बन है तो 2 times CO2, ठीक है ना बेटा। इसको बैलेंस करने का तरीका बताया था, याद रखना, हाइड्रोजन कितना बेटा 4, तो 4 का हाफ 2, हाइड्रोजन कितना बेटा 4, 4 का हाफ 2, 2 है तो 1, उतना टाइम्स वाटर, जितना हाइड्रोजन है उतने टाइम्स क्या मिलेगा बेटा, उसका हाफ टाइम्स वाटर। अब बैलेंस कर लो बेटा, कितना ऑक्सीजन यूज होगा, कितना ऑक्सीजन लग रहा है बेटा, फर्स्ट वाले में 4 तो 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 4, 2, 6, 3 से मल्टीप्लाई, 4 और एक 5, तो 5/2। तो कंप्लीट कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट कंबसन से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, ऑन द कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म, इस तरह से स्टेटमेंट नोट कर लेना, ऑन द कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म। क्लियर है बच्चा लोग, ये थर्ड था कंबसन रिएक्शन। कल जो मैं कराने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, उसमें 4 नेम रिएक्शन आने वाले हैं, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। अब बताओ इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन है बेटा, सब के सब 12th में मिलेंगे तुमको, यहां बता दिया तो वहां पे एकदम शॉर्ट में होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग, तो नोट कर लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बच्चा लोग, बाय सर, बाय।